एक दूजे के वास्ते। हमारी माँ है ना, ऐसे चोटी पकड़ के बिठा देती थी गरम गरम तेल लगाने के लिए। अरे बालों का ध्यान रखो अपने, वरना झड़ जाएंगे सारे। वैसे लड़का बहुत मेहनती है, देख कैसे पढ़ते पढ़ते थक के सो गया। क्या बात है, बड़ी मेहनत हो रही है। और नहीं तो क्या, मेहनत लगती है तभी बात बनती है, ऐसे ही नहीं हो जाता अपने आप सब कुछ। देख देख बाल देख इसके। हाँ हाँ देख ही रही हूँ, बस सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, पता चला कहीं फिसल विसल गए तो। इतनी मेहनत ना चाची, इस कंचा देवी के बालों में मत करना। वैसे भी इसे बिना देखे बिना जाने फिसलने की आदत है। सुमन ओहो शुभ शुभ बोलो, कहीं कुछ चोट वोट ना लग जाए किसी को। वैसे अभी जो है वो क्या कहते हैं, सब सेफ जोन है, पर अब जो दिख रहा है आगे की गारंटी। ये जो तेरा वन ट्रैक माइंड है ना कंचन। श्रवण 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 ये मुंह पे काई क्यों लगा रखी है? फेस पैक पापा, गुड फॉर स्किन। बेटे के भविष्य का सोच के इस बूढ़े बाप की नींद उड़ी हुई है। सोचा कुछ छोड़ जाऊं, नीचे बैंक वाले बैठे इसका साइन लेने के लिए, और इसको देखो अब इनविटेशन कार्ड छपाऊं का नीचे आने के लिए। दो मिनट में आ रहा हूं ना पापा। जल्दी मुंह साफ करके नीचे आ। ठीक है जल्दी। इसे बड़ी ऐसी आ रही है मुझ पे। वैसे कुछ भी कहो, लड़का अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखता है। क्या की कर रहे हो तुम लोग, कुछ सीखो उससे। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, अपनी सुमन है ना ऑलरेडी निकल पड़ी है सीखने के लिए यार। वैसे जिस तरह से उसके पापा चिल्लाए गुस्सा कर रहे थे, इधर बैठ के हमें क्या पता कि वो सच में पढ़ रहा था या एक्टिंग कर रहा था। वैसे कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ये सब जीता है मैंने, टैलेंटेड बंदा हूँ मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। सही कहा, जो दिखे या दिखाया जाए जरूरी नहीं कि वो सही हो, ट्रॉफीज भी झूठ बोल सकती है। भाभी आपको भी दे दें। नहीं श्रवण इधर आ, साइन करवा लीजिए। ये बैंकर्स के जाते ही आप एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्या ये पापा? 10 करोड़ की इंश्योरेंस करवा रहा हूँ अपनी। भाई जिंदा रहते हुए नहीं, कम से कम मरने के बाद तो अपनी फैमिली की ऐश करवाऊंगा। हाय हाय सवेरे सवेरे कैसी मनोज बातें कर रहे हो आप। मजाक कर रहा हूँ। हाय मेरी दाल। भाई साहब कुछ बात करनी थी। बस एक बार ये साइनिंग हो जाए फिर बात करते हैं। मैं जाऊं? ओके बाबा। राजेंद्र भाई तू भी साइन कर ले। मैं क्यों भाई साहब? अरे अवनी अभी 18 साल की हुई नहीं ना, तो तुझे ही साइन करना पड़ेगा। श्रवण के साथ साथ मैंने अवनी को भी 50% का नॉमिनी बनाया। देखा भैया ताऊ जी ने हमें 10 करोड़ दिए हैं। अब तेरे पास भी तो मेरे ही हैं, क्योंकि तू तो शादी करके दफा हो जाएगी। एक्सक्यूज मी लड़की, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा हक मारोगे। और वैसे भी ताऊ जी ने ना साइन किया है 50-50। ये ले तेरा 50।
बता क्या बात करनी है? भाई साहब आप कल फंक्शन में नहीं आए? अरे हाँ यार, वो पता नहीं कल टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी था मैं। लेकिन मैंने रागिनी के पापा को सॉरी बोल दिया था, और मैंने 11,000 एक का शगुन भी भेज दिया उन्हें। शगुन कम तो नहीं था ना? यही होता है, जिस घर में बेटे होते हैं वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हर वक्त हंसी मजाक, शोर शराबा, रौनक लगी रहती है। और जिस घर में बच्ची है वहाँ शांति। Yes. बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। यार मम्मी हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? अरे सिर्फ बोलती हैं, मीन नहीं करती। इतनी तैयारी, कहाँ चली मम्मी की सवारी? तुम्हें बताया था ना AWA की मीटिंग है, कैन जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगी। आप मीटिंग अटेंड कर लेना, मैं पापा से मिल लूंगी। मैं बस अभी शैम्पू करके आई। जल्दी आ जाओ। हाँ जी पापा, आपने बुलाया। बाइक ढंग से चला लेता है? चला लेता है पापा, मैं तो बाइक को बहुत ढंग से चलाता हूँ पापा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पार्किंग करनी आ गई है या क्या बोल रहे हो पापा? कितने दिनों से बाइक चला रहा हूँ, पार्किंग नहीं आती होगी मुझे। तुम्हारी पार्किंग के तमाशे देख चुका हूँ मैं। वो तो आपने बुलाया था ना पापा, कुछ काम था आपको। कैंट में ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह जी हैं, उन्हें जाकर ये फाइल देनी है, समझा? ठीक है। और सुन, पार्किंग सही जगह पे करना, समझ ना आए तो किसी से पूछ लेना प्लीज। जी पापा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपना नॉमिनी बनाया, और अब आप वैसे बच्चों की तरह मुझे बोल रहे हो। चल जा। अच्छा एक कर्नल साहब को दे देना। मामी मैं पापा से मिल के आती हूँ। पर तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? मुझे सब पता है वो इस टाइम कहाँ होते हैं। मॉर्निंग। यस, ये ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह कहाँ मिलेंगे? सभी ऑफिसर बैडमिंटन कोर्ट में उस तरफ। ओके थैंक यू। यस कम ऑन भाई, ये ब्रिगेडियर समर प्रताप जी कौन है? कम ऑन विजय, कम ऑन। गुड आफ्टरनून अंकल। हेलो सर। हेलो सर, पापा ने देवराज मल्होत्रा जी ने फाइल दी है। यस कम ऑन विजय, यू कैन डू इट। जब मैं एक लड़के के पीछे मुंबई तक जा सकता हूँ तो तुम्हारे पीछे यहाँ नहीं आ सकता क्या? मजाक कर रहा था, चल सीरियस हो गए तुमको। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हेलो। हेलो अंकल, ब्रिलियंट गेम। थैंक यू। बैडमिंटन खेलते हो? नहीं नहीं अंकल, मैं खेलते हो पापा, ये तो चैंपियन है। इसका गेम देख के तो साइना नेहवाल भी शर्मा जाए।
पुलेला गोपीचंद फैन है इसके। श्रवण, तुमने पापा को अपने ट्रॉफीज के बारे में नहीं बताया? नहीं नहीं अंकल, ये तो तुम और इतना मॉडेस्ट। पापा आपके थकने से पहले ही ना ये आपको हरा देगा, इतना कमाल का खेलता है। अच्छा, हो जाए फिर एक एक मैच। नहीं नहीं अंकल, मतलब वो ट्रॉफीज और मेडल्स तुम्हारे नहीं है? मेरे ही है। एक एक फ्रेंडली मैच, आ जाओ। अंकल रणवीर, रैकेट। अंकल प्रॉपर शूज भी नहीं है। सब हो जाएगा, शूज लेके आओ इनके लिए। थैंक यू। शूज? नो नो। गुड मैच, सिर्फ एक पॉइंट से हार गए हैं, लेकिन अच्छा खेले। वेरी गुड। थैंक यू अंकल। यू आर राइट सुमन, अच्छा खेलता है। इनफैक्ट तुम्हें साथ खेलना चाहिए, गेम इंप्रूव होगी दोनों की। ये इसे तो मैं चुटकी में हरा दूंगा सर। अच्छा, बी केयरफुल, मैंने ट्रेन किया है, हरा नहीं पाओगे। चाहो तो बैट लगा लो। और अगर मैं जीत गया तो जो इनाम मांगोगे दूंगा। एक सेकेंड आए। और हारे हुए चैंप, तुम तो बड़े डेयरिंग हो, पापा से हारने के बाद भी उन्हें चैलेंज कर दिया। अपना एक और जहाँ हर रोज खेलते हो, अपनी ऑडियंस जो हर शॉट पे चेयर अप करे, वहाँ जितना कौन सी बड़ी बात है। अपनी हार ना एक्सेप्ट करो, थोड़ी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आओ। तुमने अपनी लाइन याद रखना, जिस दिन हराऊंगा ना तब काम आएगी तुम्हारी। मीरा, जब मैं इस आर्मी की दुनिया में आई थी ना, तो मुझे भी थोड़ा समझने में वक्त लगा था कि ये सारे लोग, उनकी बटालियन, ये सब विजय का परिवार है, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, जैसे तुम हमारा परिवार हो। बेटा समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने पहले ही, मीरा हम सब जानते हैं कि कैप्टन नारियल बहुत ही स्वाभिमानी थे। पर मुश्किल वक्त में तो परिवार ही काम आता है ना। और वैसे भी हम सब तो सिर्फ अपनी एक एक दिन की सैलरी दे रहे हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा घर खर्च और बेटी की पढ़ाई मैनेज हो जाएगी। बड़ी बहन को ना तो नहीं कहोगी? जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है, आज ही हवा की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर को अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन दे देते हैं। और रिवर्स वाला बहुत अच्छा है, लेकिन
बस एक आध दिन में एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और अपने बैंक अकाउंट्स तुम दे देना, ठीक है? चलिए मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कुछ डिसीजन हुआ? सब अपनी एक एक दिन की सैलरी देकर हेल्प करना चाहते हैं। बस कमांडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी है, अप्रूव कर देंगे ना? अंजलि प्रोटोकॉल है इसलिए एप्लीकेशन तो चाहिए, और जहां तक अप्रूवल का सवाल है तो उसके लिए अभी डिसाइड कर लेते हैं। बॉयज, मार्टर कैप्टन प्रकाश की फैमिली को हमारी मदद की जरूरत है, और आवा को लगता है हम सबकी एक एक दिन की सैलरी देने से ऐसा हो सकता है। आप सबको क्या लगता है? हम सब एक यूनिट है, हम साथ हैं सर। जी सर। गुड, डिस्पर्स प्लीज। और आपकी यूनिट के बाकी लोग? उसने कहा ना, हम सब एक यूनिट हैं, कोई मना नहीं करेगा। एक वो फैमिली है जो घर पे है, और दूसरी ये। मैं बहुत लकी हूं। सुमन। हेलो आंटी। हाय बेटा, तुम यहाँ? वो पापा की एक फाइल लेने के लिए आया था। ओ अच्छा सुमन, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम जाओ। श्रवण, तुम अगर घर जा रहे हो तो सुमन को ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्योर आंटी। इतना कितना टाइम लगेगा मम्मी? मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ थोड़ी देर और। बेटा जिद मत करो, मम्मा को अपना काम खत्म करने दो। हाँ वैसे भी इनकी कही बात ऐसे ही थोड़ी ना मानूंगी, आज कार्ड साइन करवाऊंगी। देख लो। तुम जाओ, ठीक है? बाय पापा। बाय बेटा। टेक केयर, सो जा। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय आंटी। बाय। तुम्हारी दो दो फैमिलीज हैं, पर देखा घर छोड़ने के लिए जरूरत तो मेरी पड़ी ना। दो दिन पहले मैंने भी तो तुम्हें लिफ्ट दी थी जब तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी, भूल गए? So you are the one who's paying me back. Hi दादू। Hi. तुम्हारे लिए सिर्फ ब्रिगेडियर, समझे? P4 ब्रिगेडियर, P4 भुट्टा, P4 भूला नहीं कुछ अभी तक। क्या? बाइक की सर्विस करवानी थी, अभी याद आया मुझे। बॉल खेलना सीखना है ना तो बॉल छीन। अबे लूजर, बॉल नहीं दिख रही क्या तुझे? अब ले। उठ जा यार। तो ठीक है ना? बड़ी बास्केटबॉल सीखना है ना? हाँ हाँ, तो फिर बॉल छीन। हालत देख रहे हो तुम इसकी? अरे यार, हम तो सब इसे बास्केटबॉल खेलने सिखा रहे थे। He's your buddy. अपने बड़ी को कैसे तंग करता है? और तुम? अरे सुमन, ये क्या बात हुई यार? अनीश, I'm warning you. अगर तुमने दोबारा इसे तंग किया ना तो मैं सीधा सर से कंप्लेन करूंगी। ये कोई तरीका नहीं अपने बड़ी को ट्रीट करने का। और तुम क्यों सहते हो ये सब? अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बोलना सीखो साहेब। और ले गया। आज मैं ले आऊं, नहीं तो यूज़ हो जाऊंगी।
यही तो मैं चाहता हूँ बेबी। भाई 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 श्रवण श्रवण फटना क्या हुआ? मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे रॉकस्टार तू ग्रेट है। वो तो पता ही है मुझे। अभी तू जा यहाँ से, लड़की का वेट कर रहा हूँ। गले मत लग। लड़की की तो बात है। क्या नाटक कर रहे हैं? करा तो तूने है यार, सब बदल दिया। पहले यहाँ सिविलियन की औकात और अब मेरी किस्मत। हाँ ठीक है, तू एंजॉय कर, जा मैं बिजी हूँ। गौर से देखे साथ को, आज उसे किसी ने छुआ, एक लड़की ने इसी से पकड़ के बचाया उसने मुझे। अच्छा छोड़ यार, जाओ उसी के पास, पूछ तो सही वो कौन है। ग्रेड वन की लड़की। सही है। स्कूल की प्रिंसेस। तो अच्छा है ना, तू अभी जा यार प्लीज। कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की पोती, सुमन तिवारी। क्या सुमन? मेरी सुमन? मेरी बड़ी सुमन? क्या बात कर रहे हैं? ग्रेड वन की लड़की में तेरा हाथ पकड़ा? तू ना मत दो तीन दिन, तेरी लाइफ सेट है ब्रो। भाई संभाल के रख, दैट सीरियस ब्रो। है ना, मुझे भी लगा कहीं सुमन को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। प्यार? एब्सोल्युटली मेरे भाई, मुझे तुझसे प्यार हो गया। सोच, सुमन का साहिब, साहिब की सुमन, भाई तेरी लाइफ सेट है। जा इंप्रेस कर उसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.